दमोह के नवागत पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। नवागत पुलिस अधीक्षक ने दमोह को लेकर अपनी प्राथमिकता गिनाई। नवागत पुलिस अधीक्षक ने जहां पदभार ग्रहण किया तो वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान दमोह में अपराधों पर नियंत्रण सहित अन्य प्राथमिकताओं पर अपनी बात कही। क्या कुछ कहा दमोह को लेकर के नवागत पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज। पुलिसिंग में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, एक तो पुलिस विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके ऊपर और उनके साथ मिलकर काम करना, दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होती है जनता की शिकायतों को सुनना और उनका त्वरित निराकरण, और जनता से ज़्यादा बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि समस्याओं को और बेहतर तरीके से जाना जाए, और दूसरा अपने स्टाफ को अलग तरीके से उनको मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो मूलभूत समस्याएं इस ज़िले की शहर की हैं उसको दूर किया जा सके। मेरा पहला प्रयास यही रहेगा। और तीसरा मेरा एक पहलू रहता है कि मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूँ कि सोशल पुलिसिंग की जाए, क्योंकि ऐसे तमाम अपराध होते हैं जिसमें हम अगर लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो उन अपराधों को रोका जा सकता है, जैसे ATM फ्रॉड, महिलाओं से छेड़छाड़, बच्चों के साथ गलत, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोगों को अवेयर किया जाए तो ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। तो इसको भी हम एक नए तरीके से शुरू करेंगे सोशल पुलिसिंग का, क्योंकि अब कोरोना का सब कुछ ख़त्म हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो, थोड़ी बहुत जो चीज़ें आती हैं लेकिन हमारे पास पब्लिक के बीच जाने के लिए पर्याप्त स्कोप है, पब्लिक से मिलना जुलना ये हमारा जारी रहेगा, स्कूलों में जाकर बच्चों से इंटरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें निरंतर चलेंगी, और उसमें स्पेशली ATM फ्रॉड, साइबर क्राइम, इन सब चीज़ों से बच्चों के माध्यम से हम परिवार को अवगत कराने की कोशिश करेंगे।